नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में मैं आप सभी के साथ शुगर सेक्टर पे दो तीन वीडियोस बनाते हुए दिखाऊं आपको। और शुगर स्टॉक्स पे एक ही चीज़ है कि इनके लिए अब गोल्डन पीरियड आ रहा है। गोल्डन पीरियड इन द मीन अच्छा समय आ रहा है, ऐसा नहीं कि सबसे बेहतर समय आ रहा है, ये कहना चाहता हूं। एक बार फिर से आज इसी को लेकर अपडेट आते हुए दिखी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, ग्लोबली चाय कॉफी शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, चाय के यानी टी के, शुगर के, और आप देखें तो कॉफी के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, और रीजन है जो कंट्रीज इनको प्रोड्यूस बनाती हैं वहां पे सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट ना करने की वजह से दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और शुगर इंडस्ट्री ऑलरेडी कह चुकी है कि हमारे देश में पर्याप्त लेवल, मतलब देश के लिए तो काफी ऑलरेडी है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट खुल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और एथेनॉल के प्राइस रिवीजन जैसे होंगे सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी वक्त रॉकेट की रफ्तार से भाग सकता है। पहले मैं आपको डेटा बता देता हूं सारा, फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। तो डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है 2.5 महीने की ऊंचाई पर है रॉ शुगर के दाम। 2.5 महीने की ऊंचाई पे अगर बात करें कमोडिटीज की, तो रोबोस्टा कॉफी जो है वो 1 महीने में 19% तक भागा है, और 2024 में ईयर टू डे देखें 1 जनवरी से आज तक तो 75% की रैली हो गई है। दोस्तों, अरेबिका की बात करें तो 8% 1 महीने में भागा है, और अभी तक इस साल 40% भाग चुका है। रॉ शुगर की बात करें तो 1 महीने में 11% की तेजी आ चुकी है, हालांकि ईयर टू डे अभी भी -3% है। तो इसको आप ये मत सोचो माइनस है, ये समझो कि यहां से और ऊपर जाने की गुंजाइश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रॉ शुगर का दाम। अगर टी चाय पत्ती की बात करें तो एक महीने में 10% भागा है, और ईयर टू डे 63% भागा है। अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हैं, देखो टाटा कॉफी हो गया कॉफी से रिलेटेड, और टाटा का ही हो गया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टी से रिलेटेड। वहीं अगर आप शुगर की बात करेंगे तो फिर तो बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। खबर केवल इतनी नहीं है, अब डिटेल समझो। ये तो मैंने प्राइस के बारे में बात करी, एक्चुअली में इंटरनल चीजें क्या है वो अब बताता हूं। ब्राजील जो कि एक बड़े लेवल पे उत्पादक माना जाता है, ब्राजील में कॉफी की खेती वाले इलाकों में भीषण सूखा, जिसकी वजह से हो ही नहीं पा रहा है भाई साहब, तो ये एक दिक्कत। वियतनाम में रोबोस्टा कॉफी की फसल खराब हो गई है, ये एक दिक्कत। सिटी ने ग्लोबल कॉफी सरप्लस का अनुमान घटाया, यानी कि जो इनके पास रहता था ना, मतलब प्रोडक्ट पड़ा रहता था सरप्लस में, वो कम हो जाएगा, ये अपने आप में टेंशन का विषय है, ठीक है। ब्राजील में गन्ने की खेती वाले इलाकों में आग से असर, हालांकि ये मैंने डिटेल ऑलरेडी कवर करी है, ब्राजील में जो ये आग लगी है ये खबर पहले आ चुकी है, जिसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 4 लाख टन समथिंग थी, और ये मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। 250 लाख टन की बात चल रही है, और एक बार 4 लाख की हो तो बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन है तो है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में 50 लाख टन गन्ने की फसल खराब होने के आसार, ग्रीन पूल, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। 50 लाख टन की अगर गन्ने की फसल खराब हो गई तो चीनी, वो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, चीनी बहुत महंगी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आप जिस महीने में खड़े हो ना, ये है आपका सितंबर जिसे कहते हैं हिंदी में, इसके बाद आता है भैया अक्टूबर, और यहीं से हो जाता है त्योहारी सीजन शुरू, दिवाली का। और भारत की एक खूबसूरती है, चाहे कोई भी त्यौहार हो मिठाई जाती है, चाहे कुछ भी हो मिठाई आती है, चाहे खुशी हो, त्यौहार हो, या कोई भी सेलिब्रेशन हो, मिठाई आ जाती है हमारे घरों में, और मिठाई बिना चीनी के नहीं बन सकती है। तो डिमांड बहुत हाई हो सकती है आने वाले समय में, ऐसे में ये शुगर के जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हुई तो चीनी के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा कैसे मिलेगा, डायरेक्ट फायदा चीनी कंपनियों को मिलेगा और कैसे मिलेगा। इस साल शुगर का ग्लोबल डेफिसिट अनुमान 36 लाख टन ISO कहता हुआ दिखा है। ऐसे देश में चाय बागानों में ऊंचे तापमान, कम बारिश से उत्पादन घटा। जुलाई तक चाय उत्पादन असम में 11%, पश्चिम बंगाल में 21% घटा, और ये बड़े शहर हैं जहां से उत्पादन होता है।
देश में कुल उत्पादन 160 से 170 मिलियन किलो घटने का अनुमान, बड़े लेवल पे घटने का अनुमान है दोस्तों। 380 से 390 की डिमांड है, और अगर इतना घटेगा तो प्रॉब्लम बहुत बनेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो पूरा शुगर पैक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। स्टॉक्स अवध शुगर है, आंध्रा शुगर है, जो भी 10, 11 या 9 के पी पे स्टॉक है चीनी का वो अच्छा लगता है, सिंपल एज दैट। EID पेरी 16 के पी पे भी अच्छा लगता है, क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल लेके बैठी है 50%, ठीक है। EID पेरी कोरोमंडल का लेके बैठी है, तो वो एक अलग लेवल का बिजनेस हो जाता है, नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।